हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेज बाय जीके राय के जी रोड आरा में। 12 क्लास के चैप्टर प्रकाश का व्यतिकरण एवं विवर्तक के चौथे वीडियो, हिंदी मीडियम के चौथे वीडियो में आज हम फ्राउनहोफर का विवर्तन सबसे पहले बताने जा रहे हैं। फ्राउनहोफर का विवर्तन क्या होता है, फ्रेनेल विवर्तन इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। फ्राउनहोफर विवर्तन क्या होता है कि जब अवरोधक से स्रोत और पर्दा दोनों अनंत दूरी पर होते हैं तो उससे जो विवर्तन पैटर्न प्राप्त होता है, जो विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्राउनहोफर विवर्तन कहते हैं। इसके लिए एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, प्रायोगिक व्यवस्था यहाँ पर हम दिखाए हुए हैं। स्रोत एस से एक वर्णी प्रकाश निकलता है, अर्थात एस एक वर्णी प्रकाश का एक स्रोत है जिसे एक लेंस, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है। और मुख्य फोकस पर है इसलिए एस बिंदु से चलने वाली जो किरणें हैं अपवर्तन के बाद लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है और ये किरणें छिद्र रेखा छिद्र ए बी पर पड़ती है। ये पतला रेखा छिद्र है जिसकी चौड़ाई है ई, मतलब पर्दा में छिद्र किया होता है, इसकी चौड़ाई है ई। ठीक है, तो इसको हम अवरोधक कह सकते हैं ए बी को। अब देखिएगा ए बी पर जो किरणें आपतित हो रही हैं एक दूसरे के समानांतर है, इन्हें अगर पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो अनंत पर एक दूसरे को मिलेगी। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि इस अवरोधक एपी के लिए प्रकाश का स्रोत अनंत पर है। तो यहाँ पर यह साबित हो गया कि प्रकाश का स्रोत अनंत पर है। ठीक है, दूसरा लेंस ए अवरोधक के ठीक बाद में रखा जाता है और एक्स वाई एक पर्दा है ना। तो अगर ये लेंस न होता तो अवरोधक से टकरा कर चलने वाली किरणें भी एक दूसरे के समानांतर होती। देखिए ये किरण और ये एक दूसरे के समानांतर है, ये किरण और ये किरण एक दूसरे के समानांतर है। तो समानांतर किरणें चलती जाएगी कहीं भी एक दूसरे को मिलेगी नहीं। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता, मैंने जो विवर्तन प्रतिरूप है वो कहाँ बनता, अनंत पर बनता है ना, क्योंकि किरणें समानांतर है। तो पर्दा को कहां रखना पड़ता, अनंत पर रखना पड़ता है ना। तो अवरोधक से पर्दा भी कहां हो गया, अनंत पर हो गया। अब आप अनंत पर तो रीडिंग लेने जाएंगे नहीं, इसलिए इस सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बीच में एक लेंस रख देते हैं, यहां मतलब छिद्र ए बी के बाद एक लेंस रख देते हैं और इसके मुख्य फोकस तल में क्या करते हैं, एक पर्दा रख देते हैं एक्स वाई। ठीक ना, तो अवरोधक से टकरा कर चलने वाली जो किरणें हैं लेंस अपवर्तित होने के बाद कहां फोकसित होती है, एक्स वाई के ही किसी बिंदु पर फोकसित होती है। यहां पर देख सकते हैं आप कि छिद्र ए बी पर आपतित होने वाली दो किरणों को दिखाया गया है, ऐसे तो बहुत सारी किरणें आएंगी लेकिन दो किरणों को दिखाया गया है। ए और बी से टकराने के बाद में बिना मुड़े आगे की ओर जो किरण बढ़ती है, एक किरण ये और एक किरण ये, वो लेंस से अपवर्तित होने के बाद वो बिंदु पर फोकसित हो रही है। तो यहां पर केंद्रीय दीप्त फ्रिंज बनेगा, मतलब कि यहाँ पर प्रकाशित भाग होगा। दूसरी किरण जो कि थीटा कोण से अपवर्तित हो रही है, यह मुड़ रही है, मतलब ए और बी बिंदु से टकराने के बाद थीटा कोण से मुड़ जा रही है, अर्थात थीटा कोण से विवर्तित हो जा रही है। वे किरणें फोकसित होती हैं कहाँ पर, पी बिंदु पर। अब देखना है कि पी बिंदु पर दीप्त भाग या अदीप्त भाग प्राप्त होने के लिए शर्त क्या है, ये देखना है। तो
तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एके एके लंब बीके डाला, एके लंब बीके डाला। अब देखिए, ए बिंदु से चलकर पी बिंदु पर पहुंचने वाली किरण और बी बिंदु से चलकर पी बिंदु पर पहुंचने वाली किरण, दोनों के बीच पथांतर क्या है? तो बीके है ना, पथ में अंतर है बीके। और त्रिभुज ए के बी में साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है? लंब बी के बटा कर्ण ए इक्वल टू बी के बटा ए बी इक्वल टू ई। तो बी के इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई साइन थीटा हो जाएगा ना, ई साइन थीटा। ई के इक्वल टू ई साइन थीटा, ये जो है कि नहीं पथांतर है ना, ए एवं बी से चलने वाली किरणों के बीच, चाहे तरंगों के बीच, तरंग लिख दे रहे, तरंगों के बीच पथांतर, ठीक है, पथांतर ई साइन थीटा। अब देखते हैं कि यदि पथांतर बी के इक्वल टू लैम्डा हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो देख लीजिए, यहां पर ए हो गया, बी हो गया, मतलब ए और बी से चलने वाली जो किरणें हैं इनके बीच पथांतर कितना है? लैम्डा है। इनके बीच ए और बी के ठीक बीच में एक बिंदु हम ले लिए सी, तो ए और बी के बीच पथांतर लैम्डा है, तो ए और सी के बीच पथांतर कितना हो जाएगा? लैम्डा बाई टू। सी और बी के बीच पथांतर कितना हो जाएगा? लैम्डा बाई टू। अर्थात ए और सी के बीच पथांतर हो जाएगा लैम्डा बाई टू। ए के नीचे वाला बिंदु और सी के नीचे वाला बिंदु के बीच पथांतर लैम्डा बाई टू हो जाएगा। फिर इसके नीचे वाला बिंदु और इसके नीचे वाला बिंदु के से चलने वाला जो तरंग है उसके बीच पथांतर लैम्डा बाई टू होगा। मतलब ए सी के प्रत्येक बिंदु के लिए सी बी में एक ऐसा बिंदु अवश्य है कि उन बिंदुओं से चलने वाली किरणों के बीच पथांतर लैम्डा बाई टू होगा। और हम लोग व्यतिकरण टॉपिक में पढ़े थे कि जब जो दो तरंगों, व्यतिकरण मैंने अध्यारोपित होने वाली दो तरंगों के बीच जब पथांतर लैम्डा बाई टू होता है तो विनाशी व्यतिकरण होता है ना, अर्थात अदित फ्रिंज बनता है ना। तो यहाँ पर व्यतिकरण कैसा हो रहा है? विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होता है ना, अर्थात जब पी के इक्वल टू लैम्डा हो तो विनाशी व्यतिकरण होता है तरंगों के बीच, और जब विनाशी व्यतिकरण होता है तो क्या होता है कि यहां पर अदीप्त फ्रिंज बनता है, अदीप्त फ्रिंज। इसी तरह से जब पी के इक्वल टू टू लैम्डा तो आप देखिए क्या होता है, तो ए और बी के बीच चार भाग में बांट दीजिए है ना। देखो चार सी डी ई नाम दे दे रहे हैं, तो चार भाग में बट गया। और टू लैम्डा को चार भाग में बांटेंगे तो टू लैम्डा बाई फोर इक्वल टू लैम्डा बाई टू है, अर्थात ए से चलने वाली किरण और सी से चलने वाली किरण के बीच कितना हो जाएगा तरंग पथांतर? लैम्डा बाई टू। सी से चलने वाली तरंग और डी से चलने वाले तरंग के बीच पथांतर कितना हो जाएगा? लैम्डा बाई टू। डी से चलने वाला तरंग और ई से चलने वाला तरंग के बीच पथांतर कितना हो जाएगा? लैम्डा बाई टू। ई से चलने वाला तरंग और बी से चलने वाला तरंग के बीच पथांतर कितना हो जाएगा? लैम्डा बाई टू। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और फिर से पी बिंदु पर क्या होगा? विनाशी व्यतिकरण होगा, अर्थात अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगा। तो देखिए फिर से वही हो रहा है, अगर हम थ्री लैम्डा ले लें
एक है इस पर तो ही वही हो, फोर लैम्डा ले ले तो भी वही हो। अर्थात यदि बीके इजक्वल टू एन लैम्डा हो जहाँ एम इजक्वल टू एक दो तीन चार, चाहे एम लैम्डा हो जहाँ एम इजक्वल टू एक दो तीन चार, तो पी बिंदु पर अदिश फ्रिंज बनेगा। अर्थात पी बिंदु पर अदिश फ्रिंज के लिए, फ्रिंज मैंने पट्टी, अधिक फ्रिंज के लिए बीके इक्वल टू कितना, तो लैम्डा प्लस माइनस लैम्डा प्लस माइनस टू लैम्डा प्लस माइनस थ्री लैम्डा प्लस माइनस फोर लैम्डा प्लस माइनस, जनरल फॉर्म में अगर हम लिखे तो प्लस माइनस एम, यही ना प्लस माइनस एम, जहां एम इक्वल टू एक दो तीन चार पंद्रह है ना, और बी के इक्वल टू कितना है ई साइन थीटा है ना, तो हम लिख दे रहे हैं बी के जगह पर ई साइन थीटा बराबर प्लस माइनस लैम्डा प्लस माइनस टू लैम्डा प्लस माइनस थ्री लैम्डा प्लस माइनस फोर लैम्डा प्लस माइनस एम लैम्डा, और साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई का भाग में हो जाएगा इधर प्लस माइनस लैम्डा बटा ई प्लस माइनस टू लैम्डा बटा ई प्लस माइनस थ्री लैम्डा बटा ई प्लस माइनस फोर लैम्डा बटा ई प्लस माइनस एम लैम्डा बटा ई, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू इतना आया, पी बिंदु पर अदिश विवर्तन फ्रिंज प्राप्त होने के लिए है ना। अब हम देखते हैं कि यदि थीटा बहुत छोटा, तो साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर होता है, इसलिए थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस लैम्डा बटाइए प्लस माइनस टू लैम्डा बटाइए प्लस माइनस थ्री लैम्डा बटाइए प्लस माइनस फोर लैम्डा बटाइए प्लस माइनस एम लैम्डा बटा। अर्थात बी बिंदु पर विनाशी व्यतिकरण अर्थात विनाशी अधिक फ्रिंज की कोणीय स्थितियां, अर्थात कहने का मतलब है कि प्रथम अधिक फ्रिंज का कोणीय स्थिति ये है, द्वितीय अधिक फ्रिंज का कोणीय स्थिति ये है, तृतीय अधिक फ्रिंज का कोणीय स्थिति ये है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैसे बनता है फ्रिंज, बीच में केंद्रीय दीप्त फ्रिंज हो गया ये, उसके बाद अदिप्त भाग बनेगा, तो अदिप्त भाग बहुत ही पतला होता है ऐसा, ये अदिप्त भाग हो गया, फिर एक चौड़ा दीप्त भाग बनेगा यहाँ पर इसके चारों ओर, फिर इसके बाद अदिप्त भाग का चौड़ाई थोड़ा सा बढ़ेगा, ये अधिक भाग बन गया, अधिक भाग का चौड़ाई थोड़ा सा घटे, देखिए अधिक भाग बन गया है, इसके बाद फिर अधिक भाग इस तरह से बनता है। क्रमागत रूप से दीप्त एवं अदीप्त पट्टियां पर्दा पर प्राप्त होती है, ठीक है। और यहां पर क्या है, यहां पर लेंस है, लेंस है,
तो यहां से देख सकते हैं कि पहली अदीप्त पट्टी की कोणीय स्थिति है कितना, लैम्डा बटाई प्लस माइनस लैम्डा बटाई। तो ऊपर में लैम्डा बटाई और नीचे में पहला अदीप्त भाग ये ना, ये तो पहले अदीप्त भाग का कितना बन गया, प्लस लैम्डा बटाई। नीचे की ओर कोणीय स्थिति पहले अधिकतम भाग का कितना हो गया अधिकतम क्षेत्र का, तो माइनस लैम्डा बटा ई। द्वितीय अधिकतम पट्टी ये इसका कोणीय स्थिति हो जाएगा कितना, प्लस टू लैम्डा बटा। और नीचे की ओर देखें तो दूसरे अधिकतम पट्टी का कोणीय स्थिति हो जाएगा माइनस टू लैम्डा बटा ई। तीसरा अधिक भाग जो है ये इसका कोणीय स्थिति देखिए क्या हो रहा है, इसका कोणीय स्थिति हो जाएगा प्लस थ्री लैम्डा बटा ई। और नीचे की ओर कोणीय स्थिति हो जाएगा तीसरे अधिक भाग का ये है ना, ये हो गया, ये माइनस थ्री लैम्डा बटा। कहने का मतलब यह है कि कोणीय स्थिति समझ गए होंगे, हमें आशा है कि आप कोणीय स्थिति समझ गए होंगे अधिक पट्टियों का। तो ये अधिक पट्टियों का कोणीय स्थिति ठीक है। अब दो अधिक पट्टियों के बीच, एक अधिक पट्टी ये है एक अधिक पट्टी ये, दोनों के बीच क्या बन रहा है, दीप्त पट्टी बन रहा है ना। तो दीप्त पट्टियों का स्थिति क्या होगा, तो देखिए इसलिए दीप्त फ्रिंज के लिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो ये अदीप्त पट्टी का पहला अदीप्त पट्टी हुआ, ये दूसरा अदीप्त पट्टी हो गया और दोनों के बीच दीप्त पट्टी है, तो दोनों को जोड़ के या दूसरे भाग देते, तो थ्री लैम्डा बटा ई बटा में टू, तो थ्री बाई थ्री लैम्डा बाई टू प्लस। तो ये हो गया प्रथम गौण उचिष्ट, मतलब प्रथम गौण उचिष्ट ये, प्रथम गौण उचिष्ट का कोणीय स्थिति ये हो गया। द्वितीय गौण उचिष्ट के लिए इसको और इसको जोड़ करके दो से भाग कर देंगे, तो फाइव बाई प्लस माइनस फाइव लैम्डा बटा ई हो जाएगा। तीसरे गौण उचिष्ट के लिए इन दोनों को जोड़कर दो से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, सेवन लैम्डा बटा टू ई, इस तरह से है ना। अब हम देखते हैं कि ये बीच वाला जो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज है उसका कोणीय चौड़ाई क्या, तो देखिए यहाँ पर कोणीय चौड़ाई क्या होगा, तो ऊपर की ओर इस अधिकतम भाग का कोणीय स्थिति है प्लस लैम्डा बटा, नीचे की ओर माइनस लैम्डा बटा ई, यही ना। तो लैम्डा बटा ई में से माइनस लैम्डा बटा ई को हम घटा दे रहे हैं, तो केंद्रीय केंद्रीय दीप्त भाग की कोणीय चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो ऊपर में प्लस लैम्डा बटा ई है, नीचे में माइनस लैम्डा बटा ई, लैम्डा बटा ई माइनस माइनस लैम्डा बटा ई, तो कितना हो जाएगा, लैम्डा बटा ई प्लस लैम्डा बटा ई इक्वल टू टू लैम्डा बटा ई। तो ये केंद्रीय दीप्त भाग का कोणीय चौड़ाई हुआ टू लैम्डा बटा ई है ना। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग किसी प्रकाशीय यंत्र की विभेदन क्षमता एवं विभेदन सीमा का अर्थ समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं विभेदन क्षमता,
विभेदन क्षमता क्या होता है? किसी प्रकाशीय यंत्र द्वारा पास पास स्थित वस्तुओं के दो पास पास स्थित वस्तुओं के अलग अलग स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? किसी प्रकाशीय यंत्र की विभेदन क्षमता कहते हैं। और दो वस्तुओं के बीच वह न्यूनतम दूरी, दो वस्तुओं के बीच वह न्यूनतम दूरी जिससे कि उन वस्तुओं का किसी प्रकाशीय यंत्र द्वारा अलग अलग स्पष्ट प्रतिबिंब बन जाए और इससे कम दूरी होने पर उनका अलग अलग स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त न हो, तो उस न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? विभेदन सीमा कहते हैं। जैसे हमारा आँख भी एक प्रकाशीय यंत्र है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो बिंदुवत वस्तुएं, ये स्पष्ट आपको अलग अलग दिखाई दे रही होंगी, ये भी दो बिंदुवत वस्तुएं हैं और ये स्पष्ट अलग अलग आपको दिखाई दे रही होंगी और दूरी कम कर रहे हैं, तो अब थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है दोनों वस्तुओं को अलग अलग देख रहे हैं और दूरी थोड़ा सा कम कर दे रहे हैं, ये दोनों बिंदु भी अलग अलग हैं लेकिन आपको दोनों मिलकर एक दिखाई दे रहा होगा, है ना? अर्थात कहने का मतलब यह है कि आपके नेत्र की विभेदन क्षमता इतनी अधिक नहीं है कि इन दोनों बिंदुओं को अलग अलग स्पष्ट रूप से देख सके, इसलिए ये दोनों बिंदु मिलकर के एक बिंदु के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो विभेदन क्षमता का मतलब क्या हुआ? किसी प्रकाशीय यंत्र द्वारा पास पास स्थित दो वस्तुओं को अलग अलग स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने की क्षमता को विभेदन क्षमता कहते हैं, और दो पास पास स्थित वस्तुओं के बीच की वह न्यूनतम दूरी जिससे कि किसी प्रकाशीय यंत्र द्वारा उनका अलग अलग स्पष्ट प्रतिबिंब बनाया जा सके और उससे कम दूरी होने पर उन वस्तुओं का उस प्रकाशीय यंत्र द्वारा अलग अलग स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त न हो, तो उन वस्तुओं के बीच की इस न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? विभेदन सीमा कहेंगे। तो विभेदन सीमा जितनी ही कम हो, अर्थात जितने ही कम दूरी पर स्थित वस्तुओं का अलग अलग स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकेगा, उतना ही उस प्रकाशीय यंत्र की विभेदन क्षमता अधिक। विभेदन सीमा कम तो विभेदन क्षमता अधिक, विभेदन सीमा अधिक तो विभेदन क्षमता कम हो जाएगा, उल्टा होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि विभेदन क्षमता बराबर विभेदन क्षमता बराबर एक बटा विभेदन सीमा, या ऐसा भी कह सकते हैं कि विभेदन सीमा बराबर एक बटा विभेदन क्षमता, ठीक है। अब हम देखते हैं गोलीय लेंस, गोलीय लेंस में कौन कौन आता है? उत्तल और अवतल लेंस। गोलीय लेंस की विभेदन क्षमता, गोलीय लेंस की विभेदन क्षमता, रिजर्विंग पावर ऑफ ए स्फेरिकल लेंस, रिजर्विंग पावर ऑफ ए स्फेरिकल लेंस। वास्तव में किसी डी व्यास के या डी द्वारक के लेंस द्वारा किसी बिंदुवत वस्तु का पर्दा पर जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है उसमें एक केंद्रीय दीप्त भाग होता है और उसके चारों ओर अदीप्त एवं दीप्त वलयों की पट्टियां होती हैं। देखिए यहां पर
डी व्यास का ये गोलीय लेंस है या डी द्वारक का गोलीय लेंस कहिए, और इसके कारण किसी बिंदुवत वस्तु का जो प्रतिबिंब पर्दा पर प्राप्त होता है वो कैसा होता है, तो बीच में एक गोलीय केंद्रीय दीप्त भाग होता है, इसको केंद्रीय उच्चिष्ट भी कहते हैं, और उसके चारों ओर अदीप्त पट्टी होती है अर्थात अंधकार वाला भाग होता है, फिर इसके चारों भाग और जो है कि नहीं फिर से दीप्त पट्टी होती है, फिर अदीप्त पट्टी, फिर दीप्त पट्टी, यही क्रम जारी होता है, इस तरह का प्राप्त होता है ना। पर्दा पर इसके तीव्रता को देखा जाए तो देखो यहां से यहां पर अधिक तीव्रता है, देखिए यह तीव्रता अधिक है बीच वाले भाग में, और इसके बाद अंधकार वाला भाग, ये भाग अंधकार वाला हो गया, ये कहां तक यहां से यहां तक अंधकार वाला भाग, ठीक है, फिर इसके बाद क्या है दीप्त पट्टी है, मतलब ये भाग दीप्त पट्टी है, यहां से ये दीप्त भाग है, तो अब इस क्षेत्र में तीव्रता अधिक होगी, तो देख लीजिए यहां पर तीव्रता थोड़ा सा बढ़ गया अधिक हो गया, यहां भी तीव्रता अधिक है, और फिर अधिक पट्टी है ना यहाँ, तो अधिक पट्टी में क्या हो जाएगा फिर तीव्रता कम हो जाएगी, देखिए अधिक भाग में कम हो गया, फिर यहाँ भी कम हो गया, मतलब दीप्त अधिक इस तरह से पट्टियाँ प्राप्त होती हैं, ठीक है, तो इस तरह का प्रतिबिंब प्राप्त होता है किसी गोलीय लेंस द्वारा, इस तरह का प्रतिबिंब प्राप्त होता है जिसके केंद्रीय दीप्त भाग की कोणीय चौड़ाई, देखिए यह केंद्रीय दीप्त भाग है, इसकी कोणीय चौड़ाई का अर्थ हुआ कि यह लेंस पर कितना कोण बना है, थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया लेकिन इसको टेढ़ा मत समझिएगा सीधा समझना है ना, ये जो कोण है ये कोणीय चौड़ाई कहलाएगा केंद्रीय दीप्त भाग का, और यह होता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा बटा स्मॉल डी, जहां लैम्डा क्या है प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, और डी क्या है लेंस का व्यास, या इसको हम द्वारक भी कह सकते हैं, और थीटा क्या हो गया केंद्रीय दीप्त भाग का, केंद्रीय दीप्त पट्टी की कोणीय चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई, ठीक है, ये कोणीय चौड़ाई हो गया थीटा, लेकिन यदि थीटा बहुत ही छोटा है तो साइन थीटा लगभग किसके बराबर हो जाएगा थीटा के बराबर हो जाएगा, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा बटा स्मॉल डी, ठीक है, लेकिन अगर बहुत दूर से प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हो, मतलब वस्तु बहुत दूरी पर, तो ये प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा मुख्य फोकस पर, अर्थात ये जो दूरी होगी ये f के बराबर होगी है ना, और केंद्रीय दीप्त भाग की जो कोणीय चौड़ाई
कोणीय चौड़ाई तो थीटा, लेकिन रेखीय चौड़ाई कितनी है? तो रेखीय चौड़ाई को कितना हो जाएगा? मान लीजिए कि ये रेखीय चौड़ाई x है चाहे थीटा है, जो भी मान लीजिए इस लंबाई को, तो देखिए ये हो गया चाप x, जो है x मान लेते हैं, अगर ये दूरी है x, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? थीटा बराबर x बटा एक, x बटा एक, तो x बराबर कितना हो जाएगा? f थीटा हो जाएगा, है ना, x बराबर f थीटा, अर्थात रेखीय चौड़ाई कितनी हो जाएगी? f थीटा। ये चौड़ाई जो है f थीटा होगी, हम इसको मिटा दे रहे हैं, इसलिए केंद्रीय दीप्त पट्टी की रेखीय चौड़ाई बराबर f थीटा बराबर a थीटा इक्वल टू 1.22 लैम्डा बटा स्मॉल हो जाएगा, है ना। इसको हम समीकरण दो मान लेते हैं, और अब हम लोग देखेंगे दूरबीन का विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा। किसी दूरदर्शी या दूरबीन द्वारा दो पास पास स्थित वस्तुओं के अस्पष्ट एवं अलग अलग प्रतिबिंब बनाने की क्षमता को हम लोग क्या कहेंगे? तो दूरदर्शी की विभेदन क्षमता कहेंगे। मान लीजिए कि आकाश में दो तारे हैं जिन्हें दूरदर्शी की सहायता से देखा जा रहा है, और ये दोनों तारे कितना कोण बना रहे हैं एक दूसरे से? स्टार वन और स्टार टू। और ये दोनों तारे हमारे नेत्र पर अल्फा कोण बना रहे हैं, ये है एस वन ये है एस टू, ठीक है। यहां पर दूरदर्शी की दूरदर्शी का अभिदृश्यक लेंस है, और इस पर ये कितना कोण बना रहे हैं? अल्फा कोण बना रहे हैं, ठीक है। तो अनंत दूरी पर ये स्टार हैं, अनंत दूरी पर ये तारे हैं, तो प्रतिबिंब इसका कहाँ बनेगा? तो अभिदृश्यक के मुख्य फोकस पर। मान लीजिए कि अभिदृश्यक का मुख्य फोकस तल ये है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, देख लीजिए S1 डैश, मैंने जो ये S1 है, S1 तारा S1 का प्रतिबिंब बनेगा S1 डैश, और तारा S2 का प्रतिबिंब बनेगा S2 डैश। तो यहाँ भी कोण क्या हो जाएगा? अल्फा। और पर्दा कितनी दूरी पर है? F दूरी पर। तो S1 डैश और S2 डैश के बीच की रेखीय चौड़ाई कितनी हो जाएगी, रेखीय दूरी कितनी हो जाएगी? तो F अल्फा हो जाएगी, है ना। तो दोनों तारों के प्रतिबिंबों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? F अल्फा। और हम लोग इससे पहले पढ़े थे कि किसी लेंस से अनंत दूरी पर अगर वस्तु है तो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? तो 1 into 1.22 लैम्डा बटा स्मॉल डी होना चाहिए, ठीक है। तो अलग अलग स्पष्ट प्रतिबिंब तभी प्राप्त होगा जब दोनों तारों के प्रतिबिंब जो बना है, तो दोनों तो इसी तरह से एक तारा का प्रतिबिंब ऐसा बनेगा और फिर दूसरा तारा का भी प्रतिबिंब ऐसा ही बनेगा, ठीक है। तो ये दो तारे हैं और पहला तारा का केंद्रीय दीप्त भाग ये हो गया और दूसरा तारा का केंद्रीय दीप्त भाग ये हो गया, ठीक है। जब तक ये केंद्रीय दीप्त भाग एक दूसरे से अलग अलग हैं तब तक तो ये तारे अलग अलग दिखाई देंगे प्रतिबिंब में, लेकिन यदि ऐसा हो गया कि एक तारा का केंद्रीय दीप्त भाग दूसरे तारे के केंद्रीय दीप्त भाग से ओवरलैप हो, अर्थात एक का कुछ भाग दूसरे में या दूसरे का कुछ भाग पहले में चला आता है, तब तो ये दोनों तारे मिल करके एक ही दिखाई पड़ेंगे, मतलब प्रतिबिंब इनका अलग अलग नहीं बनेगा, है ना। तो अलग अलग स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होने के लिए एक अल्फा जो है
यह बड़ा होना चाहिए a इंटू 1.22 लैम्डा बटा स्मॉल डी से, ठीक है, यही नया था। रेखीय चौड़ाई केंद्रीय दीप्त भाग का रेखीय चौड़ाई इतना आया था, तो केंद्रीय दीप्त भाग का ये रेखीय चौड़ाई है और उससे अधिक होना चाहिए f अल्फा, तब जा करके दोनों तारों का अलग अलग स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो f f कटा दिया जाए, अल्फा ग्रेटर देन 1.22 लैम्डा बटा स्मॉल डी आएगा। तो अल्फा ग्रेटर देन 1.22 लैम्डा बटा स्मॉल डी, इसका अर्थ ये है कि अल्फा का न्यूनतम मान कितना होगा, अल्फा मिनिमम इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा बटा स्मॉल डी, अर्थात दोनों तारों के प्रतिबिंब के बीच माने न्यूनतम कोणीय चौड़ाई कितनी होगी, 1.22 लैम्डा बटा स्मॉल डी, अल्फा का न्यूनतम मान ये आना चाहिए, तभी जा करके दोनों तारों का अलग अलग स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देगा, अन्यथा यह अलग अलग नहीं दिखाई देगा। अतः अल्फा मिनिमम क्या हो गया, तो कोणीय विभेदन सीमा हो गया, इसलिए दूरदर्शी की कोणीय विभेदन सीमा अल्फा मिनिमम इजकल टू कितना हो जाएगा, 1.22 लैम्डा बटा स्मॉल, है ना। इसलिए विभेदन क्षमता कितना हो जाएगा, विभेदन क्षमता, तो विभेदन क्षमता बराबर 1/ क्या होता है, विभेदन सीमा होता है इजकल टू 1/ 1.22 लैम्डा बटा स्मॉल डी इजकल टू डी बटा 1.2 नीचे लिखते रहे हैं। तो विभेदन क्षमता, विभेदन क्षमता बराबर डी चल जाएगा ऊपर, डी बटा 1.22 लैम्डा, ये होना चाहिए विभेदन क्षमता दूरदर्शी का, है ना। अब हम लोग सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता के बारे में पढ़ेंगे। किसी सूक्ष्मदर्शी द्वारा दो पास पास स्थित वस्तुओं को अलग अलग स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता। अर्थात कोई सूक्ष्मदर्शी जितना ही पास पास स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब अलग अलग बनाने में सक्षम होगा, उसकी विभेदन क्षमता उतनी ही अधिक। सूक्ष्मदर्शी में अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जाता है, और ये सूक्ष्म वस्तु कहाँ रखी जाती है, तो अभिदृश्यक के मुख्य फोकस के ठीक बाहर, है ना, अभिदृश्यक के मुख्य फोकस के जस्ट बाहर। इसलिए अभिदृश्यक से वस्तु की जो दूरी है उसे अभिदृश्यक के फोकस दूरी के बराबर माना जा सकता है ना। तो देख लीजिए, ये हो गया अभिदृश्य लेंस, सूक्ष्मदर्शी का अभिदृश्यक लेंस हो गया, ठीक है, और ये मुख्य फोकस हो गया, और मुख्य फोकस तल ये डॉटेड लाइन जो दिखा रहा है ये मुख्य फोकस तल है, इस पर कोई बिंदुवत वस्तु है, ठीक है, ये लेंस का मुख्य अक्ष हो गया, और लेंस का अर्ध व्यास, पूरा व्यास तो हम डी मान ले रहे हैं, और अर्ध व्यास कितना है, तो डी बाई टू, ये है अर्ध व्यास, है ना। इसके द्वारा मुख्य फोकस पर बनाया गया जो कोण है वो है बीटा, ठीक है, इसको हम लोग क्या मान लिए, बीटा मान लिए, ठीक है। तो टेन बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
लंब मतलब चाप बटा त्रिज्या। तो ये दूरी कितनी है ए, क्या कि वस्तु को ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं तो मुख्य फोकस के ठीक बाहर। ठीक बाहर का मतलब लगभग हम ले सकते हैं कि वस्तु की दूरी जो है लेंस से मुख्य फोकस फोकस दूरी के बराबर है, तो एफ दूरी पर है। तो चाप हो गया डी बाई टू और त्रिज्या हो गया एफ, तो डी बाई टू एफ यही ना, तो डी बाई टू एफ हो गया और डी बाई एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा टू टेन बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा डी बाई एफ, डी बाई एफ इक्वल टू टू टेन बीटा है ना। और किसी लेंस की आवर्धन क्षमता एम इक्वल टू होता है भी बताइए, लेकिन यहां पर U के जगह पर क्या है V बटा U होता है, लेकिन U के जगह पर यहां क्या है F है, तो V बटा M इक्वल टू कितना हो जाएगा V बटा A। हम इसको समीकरण एक मान ले रहे हैं और इसको समीकरण दो मान ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग थोड़ी देर पहले एक बात पढ़े कि किसी गोलीय लेंस द्वारा किसी बिंदुवत वस्तु का जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है उसमें एक केंद्रीय दीप्त भाग होता है और उसके चारों ओर अदीप्त तथा दीप्त वलय होते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक केंद्रीय दीप्त भाग प्राप्त होता है और उसके चारों ओर क्या होता है दीप्त और अदीप्त पट्टियां होती है, मतलब ये अदीप्त पट्टी हो गया और ये फिर दीप्त पट्टी हो गया और फिर अदीप्त पट्टी हो गया, इस तरह से प्रतिबिंब प्राप्त होता है यही ना। अब हम मान लेते हैं कि केंद्रीय दीप्त भाग कितना कोण बना रहा है लेंस के प्रकाश केंद्र पर, लेंस के प्रकाश केंद्र पर थीटा कोण बना रहा है केंद्रीय दीप्त भाग, ठीक है, और प्रतिबिंब की दूरी है भी, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा थीटा बराबर ये मान लेते हैं कि केंद्रीय दीप्त भाग जो है इसकी चौड़ाई है x, मैंने रेखीय चौड़ाई है x, तो थीटा इक्वल टू चाप बटा त्रिज्या मतलब x बटा भी हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा भी इंटू थीटा है ना, x इक्वल टू भी इंटू थीटा, और थीटा का मान कितना है केंद्रीय दीप्त भाग की कोणीय चौड़ाई 1.22 लैम्डा 1.22 लैम्डा बटा स्मॉल डी, तो 1.22 लैम्डा बटा स्मॉल डी और भी के गुना है तो भी से तो गुना होने करेगा, तो भी इंटू 1.22 लैम्डा बटा स्मॉल डी यहाँ भी हो जाएगा भी इंटू 1.22 लैम्डा बटा स्मॉल डी होना चाहिए। अतः किसी लेंस द्वारा किसी बिंदुवत वस्तु का पर्दा पर जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है उसके केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई बिंदुवत वस्तु के का लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब का रेखीय चौड़ाई
भी थीटा बराबर कितना हो गया, तो भी 1.22 लैम्डा बटा स्मॉल। तो ये रखिए चौड़ाई प्राप्त हो ही गया। तो अब हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं x के जगह पर भी थीटा, और भी थीटा इसको इतना आ गया, और यहाँ x का मान कितना आया है, इतना आया है। तो भी थीटा इज इक्वल टू, रखिए चौड़ाई आ गया, भी इंटू 1.22 लैम्डा बटा स्मॉल डी, इसको हम समीकरण 3 मान ले रहे हैं। अब हम ये मान ले रहे हैं कि जिन दो बिंदुवत वस्तुओं के बीच सूक्ष्मदर्शी द्वारा श्रेष्ठ विभेद उत्पन्न करना है, अर्थात पास पास स्थित जिन दो बिंदुओं का स्पष्ट अलग अलग प्रतिबिंब इस सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्राप्त करना है, उनके बीच की न्यूनतम दूरी x मिनिमम है, अर्थात इससे कम दूरी अगर उन दोनों बिंदुवत वस्तुओं के बीच होगी तो उन वस्तुओं का अलग अलग स्पष्ट प्रतिबिंब सूक्ष्मदर्शी के द्वारा नहीं बन पाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम फिर एक चित्र का सहारा ले रहे हैं, ये देखिए, ये हो गया सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य अक्ष, ये हो गया फोकस, ठीक है, जिसकी दूरी कितनी है एक। यहाँ पर दो वस्तुएं हैं, एक हो गया O1 और एक है O2, यहाँ O1 और O2 से प्रकाश की किरणें चल रही हैं, और चलने के बाद इनका अपवर्तन होता है गोलीय लेंस के द्वारा, और भी दूरी पर स्थित पर्दा पर इनका प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दोनों में ही केंद्रीय दीप्त फ्रिंज प्राप्त होते हैं, और इसके चारों ओर अदीप्त भाग प्राप्त होता है, फिर दीप्त फ्रिंज प्राप्त होता है, और यही क्रम जारी रहता है ना। तो यहां पर कोण थीटा है, देख सकते हैं आप थीटा लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ भी तो थीटा होना चाहिए। तो O1 O2 इक्वल टू कितना, O1 O2 या ऐसे कर लीजिए कोण थीटा बराबर 4/3 O1 O2/3 हो गया एक। तो O1 O2 इक्वल टू एक थीटा, ठीक है। यदि दोनों वस्तुओं के बीच न्यूनतम रेखीय दूरी x मीन हो, तो x मिनिमम इक्वल टू O1 O2 हो जाएगा, और x मिनिमम इक्वल टू f थीटा हो जाएगा, क्योंकि O1 O2 इक्वल टू f थीटा है, और f थीटा इक्वल टू कितना 1.22 लैम्डा बटा स्मॉल, थीटा इक्वल टू 1.22 लैम्डा बटा स्मॉल होता है, और f इक्वल टू कितना होता है, यहाँ f को यहाँ लेकर चल दिए, अब m को यहाँ लेकर चल दिए, f इक्वल टू v बटा, तो f के जगह पर हम रख रहे हैं v बटा m 1.22 लैम्डा बटा स्मॉल t, है ना, v बटा m 1.22 लैम्डा बटा स्मॉल t, ये आ जाएगा। तो ये हो गया x min इक्वल टू x मिनिमम इक्वल टू, ये हो गया इस
इसको समीकरण चार हम मान ले रहे हैं, और अब इस समीकरण से देखा जाएगा इससे तो x मिनिमम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.22 लैम्डा, अब बटा में कितना d है और f को नीचे लेके चल रहे हैं d बटा f, और यहाँ पर आप देख सकते हैं d बटा f समीकरण एक में d बटा f इक्वल टू कितना है 2 टाइम बीटा, तो हम वो रख रहे हैं और x मिनिमम इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा डी बटा एफ को 2 टेन बीटा लिख रहे हैं समीकरण एक से। लेकिन लेकिन यदि बीटा बहुत ही छोटा तो टेन बीटा लगभग साइन बीटा के बराबर हो जाएगा, इसलिए एक्स मिनिमम इज इक्वल टू कितना 1.22 लैम्डा बटा 2 टेन बीटा के जगह पर हम लिख रहे हैं साइन बीटा, और इसको हम मान ले रहे हैं समीकरण 5। ठीक है, तो ये दोनों वस्तुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है, इसलिए इसको हम विभेदन सीमा कह सकते हैं। तो ये क्या है, तो विभेदन सीमा है, इसलिए विभेदन क्षमता बराबर क्या होता है 1 बटा विभेदन सीमा इक्वल टू 1 बटा इसको रखेंगे x मिनिमम को तो 2 साइन बीटा ऊपर चल जाएगा 2 साइन बीटा बटा 1.22 लैम्डा, इसको हम समीकरण 6 है ना। तो ये हो गया विभेदन क्षमता संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, लेकिन अभिदृश्य और वस्तु के बीच अगर माध्यम का अपवर्तनांक म्यू तो विभेदन सीमा x मिनिमम इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो विभेदन सीमा 1.22 लैम्डा बटा 2 साइन बीटा था ना, तो हो जाएगा 1.22 लैम्डा बटा 2 म्यू साइन बीटा, तथा विभेदन क्षमता बराबर हो जाएगा 2 म्यू साइन बीटा बटा 1.22 लैम्डा। तो देख सकते हैं आप कि अधिक विभेदन क्षमता के लिए माध्यम का अपवर्तनांक म्यू अधिक होना चाहिए और लैम्डा का मान कम होना चाहिए, अर्थात कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का प्रयोग करना चाहिए, है ना। तो ये चैप्टर जो है समाप्त हो चुका है, फिर हम अगले वीडियो में न्यूमेरिकल बताएंगे इस चैप्टर का, तब तक आप लोगों को इंतज़ार करना होगा। धन्यवाद।